हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश स्टडी नंबर वन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में समीकरण को हल करना सीखेंगे दोस्तों। तो वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर सात और टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर नौ। तो दोस्तों समीकरण कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। बराबर के बाद अचर पद होना जरूरी है, इसमें एक्स और वाई कुछ भी नहीं हो, तो ये बराबर के बाद होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों इसमें एक को फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, और दूसरे को सेकंड मान लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, एक लाइन खींच लेना है इस प्रकार से और दोनों में गुणा का चिन्ह दे देना है। अब क्या करना है दोस्तों, अगर आप एक्स का मान पहले निकालना चाहते हैं तो एक्स के गुणांक से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, अगर y का मान पहले निकालना चाहते हैं तो y के गुणांक से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए क्या है, y का गुणांक क्या है, नहीं कुछ है तो एक है। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, ये अगर 3y है तो इसमें y का गुणांक 3 हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों 2x है तो इसमें x का गुणांक 2 हो गया, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों देखिए, समीकरण फर्स्ट में वाई का गुणांक अगर नहीं कुछ है तो एक है, तो क्या करेंगे, वाई का गुणांक से नीचे में गुणा कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में अगर y का गुणांक एक है तो समीकरण सेकंड में उसको गुणा कर देंगे। समीकरण सेकंड में देखिए y का गुणांक 3 है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से गुणा कर देंगे। तो इस 3 को ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, ठीक है। नीचे वाले गुणांक को ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे और ऊपर वाले गुणांक को नीचे वाले के साथ गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 3 को इस समीकरण फर्स्ट के सभी से गुणा कर देंगे और इस 1 को समीकरण सेकेंड के सभी से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, x को इस 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, लिखेंगे 3x, प्लस है दोस्तों तो प्लस लिखेंगे। अब इस y को 3 से गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। अब दोस्तों समीकरण सेकेंड में भी उसी प्रकार से करेंगे, तो 2x को 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। अब 3y को 1 से गुणा करेंगे दोस्तों 3y हो जाएगा और बराबर 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसमें कुछ कटने वाला है, तो देखिए प्लस 3y है और माइनस 3y है, तो प्लस 3y और माइनस 3y कट जाएगा, क्योंकि प्लस 3 और दोस्तों माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही दोस्तों काट दिए प्लस 3y को माइनस 3y के। अब दोस्तों क्या बच गया है, देखिए ये 3x और 2x बच गया है, तो 3x और 2x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। जोड़े क्यों दोस्तों, देखिए दोनों के पीछा में अगर नहीं कुछ है तो ये समझिए कि प्लस है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जोड़ दिए, 3x और 2x को जोड़ दिए तो 5x हो गया। अब क्या बचा है, बराबर के बाद 21 और 9 बचा है, तो 21 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 9 30 हो जाएगा, तो लिखेंगे 30। अब दोस्तों क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 30 और ये 5 गुना में था तो बराबर के बाद जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा, यानी भागा में चला जाएगा, तो 30 बट्टा 5 हो जाएगा। अब 30 को 5 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 5 6 30 यानी कि 6 बार में लगेगा। तो x का मान दोस्तों क्या हो गया, x का मान 6 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस x का मान को समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड में पुट कर लीजिए, किसी में आप पुट कर सकते हैं दोस्तों। एक्स के स्थान पर 6 लिखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में, चलिए दोस्तों इसको पुट करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 7 है, यही है ना, x प्लस वाई बराबर 7। तो x के स्थान पर क्या करेंगे, x के स्थान पर 6 लिख लेंगे, x का मान 6 आया है, लिखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 7। अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे y बराबर 7 और इस 6 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 6 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि दोस्तों y का मान 1 आ गया और x का मान 6 आ गया। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों चलिए एक और प्रश्न आपको करके दिखाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा सेकेंड समीकरण है 3x - 5y + 1 = 0, 2x - y + 3 = 0। तो दोस्तों इसको सबसे पहले समीकरण को सेट कर लेंगे। देखिए अचर पद को बोले थे कि बराबर के बाद रखेंगे अचर मान को, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 3x - 5y बराबर, ये प्लस 1 है दोस्तों तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, उस प्रकार से लिख लेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों दूसरे को भी करेंगे, लिखेंगे 2x - y बराबर
ये प्लस तीन है तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस तीन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, उसी प्रकार से एक लाइन खींच लेंगे, समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकेंड हो गया, और दोनों में गुणा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में वाई का गुणांक क्या है, वाई का गुणांक पाँच है, तो इसको समीकरण सेकेंड के साथ गुणा करेंगे। और समीकरण सेकेंड में देखिए वाई का गुणांक क्या है, नहीं कुछ है तो एक है, तो उसको समीकरण फर्स्ट के साथ गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, तीन एक्स को एक के साथ गुणा करेंगे तो तीन एक्स होगा, ठीक है। माइनस पाँच वाई को एक के साथ गुणा करेंगे तो माइनस पाँच वाई होगा बराबर माइनस वन, यही ना होगा। तो उसी प्रकार से इस पाँच को इस सभी के साथ गुणा कर देंगे तो टू एक्स को पाँच के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दस एक्स हो जाएगा, माइनस है तो दोस्तों माइनस देंगे। और y को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा बराबर माइनस तीन को 5 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस पंद्रह हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसमें कुछ कटने वाला है, तो माइनस पाँच वाई है और ये भी माइनस पाँच वाई है, दोनों माइनस में है तो नहीं कटेगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, एक को चिन्ह बदल लेंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और ये दोस्तों देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, यानी कि नीचे वाला का दोस्तों चिन्ह बदल गया, नीचे वाला जो ये प्लस दस था अब ये माइनस दस हो गया, ये माइनस पाँच वाई था तो ये प्लस पाँच वाई हो गया, और ये माइनस पंद्रह था तो ये प्लस पंद्रह हो गया। देखिए दोस्तों ये माइनस पाँच वाई और प्लस पाँच वाई कर सकता है तो इसको काट दीजिए। अब दोस्तों क्या बच गया, देखिए ये प्लस तीन एक्स है और ये माइनस दस एक्स है, तो तीन में से दस घटेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा माइनस सात एक्स बच जाएगा, यही ना बराबर। अब दोस्तों देखिए ये माइनस एक है और ये प्लस पंद्रह है, तो माइनस एक में से पंद्रह घटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस चौदह हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे माइनस सात एक्स बराबर चौदह। अब दोस्तों एक्स बराबर क्या हो जाएगा चौदह, और ये माइनस सात गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो भागा में चला जाएगा तो माइनस सात हो जाएगा। अब दोस्तों चौदह में माइनस सात से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, सात दूना चौदह दो बार में, तो एक्स बराबर क्या हो गया x बराबर माइनस दो हो गया, ठीक है। जब दोस्तों x का मान अगर निकल गया तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में बैठा देंगे, तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों थ्री एक्स माइनस पाँच वाई बराबर माइनस वन, समीकरण सेकंड है टू एक्स माइनस वाई बराबर माइनस थ्री, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट या सेकंड में बैठाते, तो इस बार समीकरण सेकंड में बैठाते y का मान, तो लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है दोस्तों देखिए 2x माइनस वाई बराबर माइनस तीन है, 2x माइनस वाई बराबर माइनस तीन है, तो दोस्तों x के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस टू लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स के स्थान पे माइनस टू लिखेंगे माइनस वाई बराबर क्या होगा माइनस तीन। अब दोस्तों 2 को माइनस टू के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस तीन। अब क्या करेंगे दोस्तों, माइनस वाई को बाहर कर लेंगे तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस तीन, और ये माइनस चार जो है बराबर उसे इस साइड, तो बराबर के बाद जाने के बाद प्लस चार हो जाएगा, ठीक है। बराबर के बाद जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस तीन में से प्लस चार जाएगा तो क्या बच जाएगा एक बच जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस को बराबर से सेट कर दीजिए तो माइनस वन हो जाएगा। तो वाई का मान दोस्तों माइनस वन आ गया, और एक्स का मान क्या आया था, एक्स का मान माइनस टू आया था, तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इसी टाइप का नया नया वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।